पदा जहां पर 1 सितंबर 1970 ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 34 डिग्री टेम्परेचर हमें दिखाया, वहीं कहीं ना कहीं अब चले कलाम के 20 दिन पूरे होने पे हमें ना बर्फ दिखी ना बारिश दिखी। अगर जो बात करेंगे लोगों की, चाहे वो किसान हो चाहे वो आम लोग हो, हर कोई पीड़ित है बीमारियों से, या कहीं ना कहीं हर कोई इस चीज का इंतजार कर रहा है कि आगे होगा क्या। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर एमईटी हैं मुख्तार साहब, इनसे पूछेंगे। सर काफी टाइम से हम ड्राई स्पेल देख रहे हैं, अब तो हमें लगता है कश्मीर दिल्ली बन गया, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ड्राई स्पेल जो है ये एक्सटेंडेड एक ड्राई स्पेल चल रहा है लगभग पिछले 1-1.5 महीनों से, और कोई मेजर स्नोफॉल भी जो अर्ली स्नोफॉल हुआ करता था पिछले 3-4 सालों से वो भी इस साल देखने को नहीं मिला, और कमिंग डेज में भी फिलहाल कोई ऐसे पेशन गोई नहीं है जिसमें आपका स्नोफॉल के हवाले से या प्रेसिपिटेशन के हवाले से, तो 20 तक जो है 20 जनवरी तक वेदर जो है अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। और इसी बीच एक फीबल WD 12th इवनिंग को आ रहा है, और इसी तरह जो सेकंड फीबल WD है वो 17 के आसपास आ रहा है, तो उस कारण जो है वेदर थोड़ा सा क्लाउडी बन सकता है, खासकर 17 को जो है कुछ एक हायर इसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट स्नोफॉल की भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखेंगे जो प्लेन्स हैं या लोअर रीज हैं मिडल रीज हैं ये सारे जो एरियाज हैं ये ड्राई रहेंगे, तो ओवरऑल जो है आप कह सकते हो कि ड्राई स्पेल जो है अभी नेक्स्ट 10 डेज तक प्रिवेल करेगा। मुख्तार साहब अगर से हम बात करेंगे, ये एक ऐसा महीना है जुलाई कलान के ऐसे हार्ड डेज होते हैं कि गुलमर्ग हमें स्नो कवर्ड दिखता है, पहलगाम या सोनमर्ग की अगर हम बात करें, आज कहीं ना कहीं गुलमर्ग में खाली दिखा, कहीं ना कहीं पहलगाम बर्फ तो दूर की बात है तो बारिशें नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई को काफी इफेक्ट करेगा, क्योंकि आगे चल के हमें समर, जैसे हम हार्श विंटर्स देख रहे हैं आगे चल के हमें समर्स देखने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी आप सब ने देखा होगा ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और J&K के अंदर भी हम इस को देख रहे हैं। तो लास्ट ईयर देखना आप फरवरी मार्च के आसपास एक हीट वेव जैसा कंडीशन आपका यहाँ बना हुआ था, इसी तरह सितंबर के महीने में जनरली यहाँ कूल रहता है, तो यहाँ पे उस टाइम भी एक हीट वेव जैसी कंडीशन यहाँ बनी हुई थी, और अभी भी जैसे ड्राई स्पेल एक एक्सटेंडेड चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देखा गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वैसे चीज़ें जो है यहाँ पे भी देखने को मिला। अब ये जो ड्राई स्पेल है ऐसा नहीं है कि ये यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ, इससे पहले 2022 का जो दिसंबर था वो ड्राई था ऑलमोस्ट, और 2018 का जो दिसंबर जनवरी था वो भी लगभग ड्राई रहा, और इसी तरह 2016 का जनवरी 2015 का जनवरी 2014 का दिसंबर, और इसी तरह आपका 1998 का दिसंबर जनवरी 87 का, तो इस बीच बीच में आपका 4-5 साल के इंटरवल पे एक ऐसा एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल का पीरियड आ जाता है, तो उस कारण जो यहाँ पे डेफिसिट प्रेसिपिटेशन देखने को, तो उसमें आपका जो अलनिनो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब भी ऐसे ड्राई स्पेल्स हुआ, तो उसके कारण जो है यहाँ पे डेफिसिट प्रेसिपिटेशन जो है हमेशा देखने को मिलता है। मुख्तार साहब अगर हम कश्मीरी रिवायत की बात करेंगे, पहले चले कलान होता था फिर चले खुर्द आता है, चले कलान के बाद चले खुर्द आता है, तो आपको क्या लगता है क्या उस बीच में भी हम ये ड्राई स्पेल देखेंगे? ऐसा लगता है आपको एज अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट से आपको पता होगी, कुछ अंदेशा होगा? जी अभी जिस हिसाब से जो अलग अलग मॉडल्स के जो ट्रेंड्स हैं खासकर अलिनो को लेके, तो वो अभी भी दिखा रहा है कि आपका ज्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स या मंथ तक अलिनो जो है परसिस्ट करेगा, और ये जो है आपका ज्यूरिंग लास्ट जो 4-5 स्ट्रॉन्गेस्ट अलिनो है उसमें से इस साल को जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अलिनो कंडीशन जो है बना हुआ है आपका पैसिफिक ओशन के ऊपर, तो ऐसे में ड्राई स्पेल जो है आगे भी रह सकता है, लेकिन क्योंकि ये फोरकास्ट है आपका और कंडीशन जो है किसी भी टाइम आपका थोड़ा सा भी अगर माइनर चेंजेस भी आया तो थोड़ा सा वेट स्पेल देखने को, लेकिन फिलहाल ये है कि ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 डेज तक कोई मेजर वेट स्पेल थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर हमें नहीं लग रहा है। मुख्तार साहब कश्मीर मशहूर है अपने मुगल गार्डन्स के लिए, और अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करेंगे तो ट्यूलिप गार्डन की अगर बात ना करें तो नाइंसाफी हो जाएगी। आगे चल के ट्यूलिप्स का अप्रैल हमारे ट्यूलिप गार्डन का काफी सीजन रहता है, तो क्या आप समझते हैं कि इस साल
हमारे किसान हों या ऐसे बागात हों जिनका दारमदार अक्सर हम देखते हैं कि मतलब पानी जो हमारा जखीरा है उसमें दारमदार है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, कुछ एडवाइजरी आपकी तरफ से? देखो, इसमें आपका एक तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है और दूसरा जो है आपका शॉर्ट टर्म जी इम्प्लीकेशंस है। बिल्कुल तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस में आपका जैसे ग्लेशियर वगैरह रिचार्ज होना चाहिए था उस रेट से हो नहीं रहा है, लेकिन ओवर द ईयर्स देखा गया कि ग्लेशियर जो है श्रिंक हो रहे हैं। जी अब ऐसे में आपका बराबरी ही नहीं हो रहा है तो ये जो है और रैपिडली आपका श्रिंक हो सकता है। और दूसरा चीज़ है आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज वगैरह हो गया, वो जो है आपका ड्रास्टिकली मतलब बिलो जा सकता है। और इसी तरह आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है जिसमें आपका पूरा पावर का जो जनरेशन है वो ग्लेशियर्स पे डिपेंड है, बर्फबारी पे डिपेंड है। इसी तरह आपका हॉर्टिकल्चर हो, आपका एग्रीकल्चर हो, इसी तरह आपका टूरिज्म सेक्टर हो, और जो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी जो है आगे थोड़ा सा स्केर्सिटी बढ़ सकता है अगर कंडीशन जो है इसी तरह कंटिन्यू रहा तो। शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन में आपके एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो कम हो सकता है, या आपके कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिसके लिए आपको इंटेंसिव वाटर रिक्वायरमेंट ज़रूरत होता है, खासकर पैडी वगैरह, तो ऐसे क्रॉप्स को भी हो सकता है एडवाइजरी आए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कि ऐसे क्रॉप्स ना उगाए जाएँ। तो ऐसे में मतलब आप अडाप्ट ही करना है हम लोगों को आने वाले दिनों में, क्योंकि ये चेंज जो है हर साल आप धीरे धीरे मतलब बढ़ते जाएंगे। सर लास्ट का एक मैसेज जो हमारे किसान भाइयों के लिए हो, क्योंकि अभी हम देखेंगे इस प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा इफेक्ट वो करेंगे, या फ्रूट ग्रोवर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इस परेशानी में होंगे कि आगे चल के हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो उनके लिए कुछ एडवाइजरी अगर आप देना चाहें। जी बिल्कुल, हमारा एक डिटेल्ड एडवाइजरी एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे फार्मर्स को जाता है, जिसमें वेदर फोरकास्ट और जो फार्म ऑपरेशंस हैं जिसमें आपका सॉयल वाटर कंजर्वेशन मेजर्स हैं, या इसी तरह आपका ऑर्चर्ड सैनिटेशन की बात होती है, या आपका इरिगेशन का, फर्टिलाइजर्स का, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होते हैं। और इसमें भी आप कल एक मीटिंग हमारा हुआ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ शालीमार में, जी तो डिटेल्ड एडवाइजरी जिस हिसाब से ड्राई स्पेल्स चल रहे हैं तो सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स उनको अडाप्ट करना पड़ेगा, या प्रूनिंग वगैरह हैं कंसर्न जो केवीकेएस हैं या हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, जी तो उन लोगों को राबिता करके जो फॉर्म ऑपरेशंस हैं साइंटिफिकली वो उसी हिसाब से जो है उनको करना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जी बात थैंक करने के लिए। बात कर रहे थे हमारे साथ डायरेक्टर एमईटी यू। हाँ मुख्तार जय साहब। साहब, उनका भी यही कहना है कि जी। किसी भी एडवाइजरी आती है ओके उसको देख के चले, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप इस चीज का ख्याल रखें कि आने वाले टाइम में आपको ड्राई स्पेल देखने को मिलेगा। हमें दीजिए इजाजत, मैं हमेशा बिल्कुल रेस अपने कैमरा पर्सन के साथ प्राइम पोस्ट के लिए।